सत श्री अकाल दोस्तों, जीके दी सीरीज़ के नाल एक नवी सीरीज शुरू करन जा रहे हैं, जिस दे विच पंजाब टेट मास्टर कैडर पेपर वन पेपर टू दे सिलेबस नाल संबंधित वीडियोज़ नू अपलोड किया जाएगा। पूरी सीरीज़ एमसीक्यू फॉर्म दे विच होएगी। और अगर हुण तिकर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और बैल आइकन नू भी प्रेस कर लेना ताँ जो अपडेट समय से मिल सके। इस सीरीज़ का जो चैप्टर है वह है पंजाब दियाँ भूगोलिक विशेषतावां, उन्हां इस दे इतिहास उत्ते प्रभाव भाग पहला। ऋग्वेद काल विच पंजाब दे लई किहड़ा शब्द प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद काल विच पंजाब नूं बोलदे सी सप्त सिंधु, क्योंकि उस समय सत्त नदियां जो इस एरिए दे विच वगदियां सी। ग्रीक भाषा विच पंजाब नूं बोलिया जांदा है पेंटापुटामिया। महाराजा रणजीत सिंह समय पंजाब सूबे का नाम सी लाहौर सूबा, और कुछ समय के लिए पंजाब नूं टक देश के नाम नाल भी जाने जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय टक नाम का एक कबीला पंजाब दे विच आवास करता सी। पंजाब नूं अंग्रेजी रियासत विच कदों मिलाया गया? तो देखो, पंजाब नूं अंग्रेजी रियासत विच मिलाया गया 1849 दे विच, और ये जो मिलाया सीगा वो मिलाया सीगा लॉर्ड डलहौजी वल्लों। पंजाब विच आने वाले ज़्यादातर विदेशी हमलावर किहड़े दरे विचों लंघ के आए? तो देखो, पंजाब जिसनों के गेटवे ऑफ इंडिया के नाम भी जाने जाता सी, तो जिन्हें भी हमलावर आते सी वो सब तो पहला पंजाब पर अटैक करते सी। इसलिए जिन्हें भी हमलावर आए वो खैबर दरे के विचों क्रॉस होके ही आते। भौगोलिक तौर पर पंजाब नूं किन्ने खंडा विच वंडिया जा सकता है? तो पंजाब नूं तीन खंडा दे विच जिहड़ा है वो वंडिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है तीन। तो किहड़े किहड़े खंड है? तो उहदी अगर मैं गल करां तो हिमालय ते उत्तर पछमी पहाड़ियों का इलाका, उप पहाड़ी इलाका अते मैदानी भाग, तो इसका राइट आंसर होएगा तीन। बाबर ने पंजाब ते सब तो पहला कदों हमला किया? तो देखो, बाबर ने सब तो पहला हमला किया सी 1519 दे विच। टोटल बाबर ने जिहड़े सीगे वो पांच हमले किए, जिन्हां दे विच 1526 का पंजवां हमला सी बाबर का, जिन्हों असी पानीपत का पहला हमला बोलते हैं। बाबर ने पंजाब के कुल किन्ने हमले किए? तो इसकी गल आप कर चुके हैं, पांच। पानीपत की पहली लड़ाई कदों हुई? तो पानीपत दियां टोटल तीन लड़ाइया हुई, जिन्हां विचों पहली जो लड़ाई होंदी है वह होंदी है 21 अप्रैल 1526 नूं। और ये जो लड़ाई हुई सी ये हुई सी बाबर अते इब्राहिम लोधी दे नाल, लोधी वंश का आखिरी शासक। ये बैटलफील्ड दे विच मरन वाला पहला अते आखिरी राजा सी दिल्ली सल्तनत का, और इसके मरण से ही लोधी वंश का अंत हुंदा है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत करता है बाबर। 16वीं शताब्दी के शुरू में किसकी हालत बहुत माड़ी सी? तो देखो, शूद्रां की हालत उस समय बहुत ज़्यादा माड़ी सी। 16वीं शताब्दी में पंजाब का प्रसिद्ध उद्योग कौन सा? तो देखो, पंजाब का जो प्रसिद्ध उद्योग सी वो सी कपड़ा उद्योग। 16वीं शताब्दी में हिंदुओं के मुख्य संप्रदाय कौन सन? तो देखो, हिंदुओं के संप्रदाय की गल करा तो सहमत, वैष्णव मत अते भक्ति मत, तो ये तीनों ही जिहड़े सी वह हिंदुओं के संप्रदाय दे विच मन्ने जांदे सी, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सारे ही। जजिया किन्हां तों वसूल किया जाता सी? देखो, जजिया टैक्स की अगर मैं गल करा तो जजिया एक टैक्स है जो वसूल किया जाता सी गैर मुसलमाना तो। एक्चुअल दे विच ये जो टैक्स सी ये लाया सी मुहम्मद बिन कासम ने। तो मुहम्मद बिन कासम जो भारत पर अटैक करता है 712 AD दे विच, और इत्थे जो हिंदुस्तान का राजा से उस समय दहर उसनों इसने डिफीट किया सीगा, और जजिया टैक्स नूं पूरी तरह खत्म किया अकबर ने। पंजाब का इतिहास लिखण विच पेश आउंदियां केड़ियां दो कठिनाइयां हन? तो देखो, एक तो है भरोसेजोग सोमियां की घाट रही, सोर्स साढ़े को अवेलेबल ही नहीं हुए, और दूसरा मुसलमान लेखकों की धार्मिक कट्टरता, तो इसका राइट आंसर बनेगा सस्सा। हुण दे पंजाब विच दरियावां दी कुल गिनती किन्नी है? तो टोटल दरिया सीगे पंज, जिन्हां विचों पंजाब दे विच अज रह गए 2.5 दरिया, तो इसका राइट आंसर हैगा 2 अते अद्धा। और अगर आप गल करिए कि 2.5 जो सी वह चले गए हैं पाकिस्तान दे पंजाब दे विच, जिसनों बोलते ने लहिंदा पंजाब।
अमृतसर की संधि कदों हुई? तो देखो अमृतसर की संधि हुई 30 मई 1809 दे विच, और ये संधि हुंदी है महाराजा रणजीत सिंह अते मैटकलिफ दे नाल, और इस संधि दे समय जो गवर्नर जनरल सी ओ सी मिंटो वन, तो ये भी याद रख लेना। पंजाब का कुल खेत्रफल किन्ना है? तो देखो पंजाब का कुल खेत्रफल है 53,362 वर्ग किलोमीटर, और पंजाब की अगर मैं शेप की गल करा तो वह है तिकोनी, और अगर पंजाब नू देखिए नॉर्थ तो साउथ वल तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये करता है 335 किलोमीटर का, और अगर मैं गल करा ईस्ट टू वेस्ट दी तो ये जो एरिया कवर करता है वह करता है तकरीबन 300 किलोमीटर का। इन्हां विचों केड़ा दरिया अजोके पंजाब विचों नहीं लंघदा? तो वह जेलम है। पंजाब के दखन वल नूं केड़ा राज है? देखो पंजाब के दखन वल जो बाउंड्री बनती है वह हरियाणे की है, और नॉर्थ वल की बाउंड्री की गल करिए तो जम्मू कश्मीर है, और ईस्ट वल जो स्टेट है वह है हिमाचल प्रदेश, और वैसट की गल करा तो इत्थे जो पाकिस्तान है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है पंजाब की पाकिस्तान। दरिया सतलुज अते ब्यास विचकार स्थित तिकोने खेतर नूं की कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दुआबा। और इत्थे मैं तुहानूं दसां कि दो दरियावां दे जो विचकार इलाका हुंदा है उसनूं ही दुआब दा नाम दिता जाता है। इन्हां विचों किहड़ा जिला दुआबा खेत्र विच नहीं है? तो वह है लुधियाना। पंजाब का दुआब खेत्र किहड़े किहड़े दरियावां विचकार आउंदा है? तो देखो अगर दुआब की गल करिए तो आप शायद गल कर चुके हैं, ब्यास अते सतलुज दरिया के विचकार आउंदा है दुआब खेत्र। पंजाब विच केड़ा खेतर दरिया रावी ते ब्यास विचकार आंदा है? तो वह है माझा। देखो जो सतलुज दे निचला एरिया है उसनूं असीं बोलदे हां मालवा, ठीक है। पंजाब दा केड़ा शहर कपड़ा उद्योग दे लई जाणिया जांदा है? तो वह है अमृतसर। इन्हां विचों केड़ी सौणी दी फसल है? तो देखो इन्हां विच जो सौणी दी फसल है वह है झोना। इन्हां विचों केड़ी पंजाब की नगदी फसल है? नगदी फसल जिन्हों क्रैश कैश क्रॉप भी बोलते हैं, और वह है गन्ना। पंजाब विच मध दे मैदान, तो पंजाब विच मध दे मैदान की मिट्टी नूं की नाम दिता जाता है? तो देखो पंजाब दे विच जो मध दे मैदान की मिट्टी है उसनूं बोलते हैं जलोड़ मिट्टी, एलुवियल सॉयल है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। इन्हां विचों केड़ा शहर सिंधु घाटी सभ्यता नाल संबंधित है? देखो उहदा राइट आंसर है रूपनगर। देखो रूपनगर की गल करिए तो इसके आस पास का जो एरिया है जिमें कोटला निहंखां, ठीक है, और दैर माजरा, तो ये काफ़ी एरिया इंपॉर्टेंट है इंडस वैली दे नाल रिलेटड, और फतेहगढ़ साहब का भी जो संगोल एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट मनिया जाता है। ये इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतों सानू ड्यूल बरियल मिलिया, मतलब दो लाशा मिलिया इको कबर के जिन्हों असी सट्रेंज बरियल बोलते हैं। कहते हैं कि एक डॉग अते एक जो मैन की जो बरियल है जो मतलब उसकी कबर है वह सानू मिली है। पंजाबी शब्द किस भाषा तो लिया गया है? तो देखो पंजाबी या पंजाब शब्द लिया गया है परशियन भाषा तो इसका राइट आंसर होएगा पारसी भाषा। पंजाब स्थित है? तो देखो पंजाब स्थित है इंडस बेसन दे विच जिसनों बोलते हैं सिंधु बेसन। किसी प्राणी के संपूर्ण भौतिक वातावरण नूं किस होर नाम नाल जाणिया जांदा है? तो किसी प्राणी के संपूर्ण भौतिक वातावरण नूं बोलिया जांदा है हैबिटेट, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आवास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ता जो अपडेट समय सिर मिल सके, और इस सीरीज़ नूं अगे देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। तो थैंक यू।